पाकिस्तानी मदरसा छाप औरतों की भारत के खिलाफ सोच देख कर भारत ने भेज दी पाकिस्तान पर लानत। अच्छा क्यों, कैसी सोच है वजह? मुझे अब नहीं पता, आपको पाकिस्तानी मर्दों का तो पता है, पता है उनकी सोच। वो तो कहते हैं भाई काफरों को मुसलमान करना है हमने, बस इसके याद करना है। तो और इसके अलावा इनकी बात कोई नहीं होती है। लेकिन अब ये मदरसा छाप पाकिस्तानी औरतों का क्या, इसके बारे में कहने तो वॉच करेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि भाई सब क्या सीन निकल कर आ रहे हैं औरतों का भी। तो कलम करते स्टार्ट, हमारी रिसर्च हो गई इसलिए हमें फील हो रहा है, उनको प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? लग रहा है कि ये पैसा बोलता है, पैसा बोलते हैं हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने दुबई को। हाँ आप बोल रही हैं अंडर द टेबल उन्होंने कुछ दिया होगा प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए, कोई उन्होंने तरक्की नहीं की अभी तक? नहीं मुझे नहीं लगता कोई तरक्की नहीं, हमारा मुल्क बहुत तरक्की है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। किन फील्ड्स में? फैशन, मॉडलिंग, इसमें बहुत पैसा। टेक्नोलॉजी में कहाँ है? जीरो, जीरो पे है। ज्यादा यूट्यूब का पता है, गानों का पूछ लो बस ये पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है? जीरो। तो फिर आगे कहाँ पर है? आपने बोला ना हम बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो यही फील्ड्स तो काउंट की जाती है। हमारे खजाने में कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा, सारी हुकूमत खा रही है। इंडिया का शुरू से ही बहुत हाई है ना सच सामने जब मैंने काउंटर किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रो। आज हम एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो दिखाते हैं आपको, जिससे पूछा गया भारत और पाकिस्तान में कौन आगे है और उसने कह दिया पाकिस्तान। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर ने जब उससे क्रॉस क्वेश्चन किया तो फंस गई। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आपसे मालूमात हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। अच्छा नहीं लग, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है हमारे हमारी इंसल्ट हुई है इसलिए हमें फील हो रहा है, उनको प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? फिर वही बात आ जाती है ना कि उनकी ज्यादा है, हम लोगों की नहीं है। हमारी हुकूमत कभी इमरान खान कभी नवाज शरीफ, यही चलता जा रहा है। इसलिए वही कह रही हूँ, उन्होंने कौन सी ऐसी तरक्की की है जो उनको उनको खुद आकर मिला जो आ रहा है उनके लिए ट्वीट्स की जो लग रहा है कि ये पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, बोलता है। अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने दुबई को। ये कैसे बेवकूफ, ये सोचो मतलब पैसा देकर उन्होंने बोला होगा मैं प्रोटोकॉल। हाँ जी हो सकता है, हमारी भी थोड़ी इज्जत हो जाए ना, हमारे पास पैसा ही नहीं है। किसने कहा है पैसा नहीं है? कहाँ गया IMF के फंड्स? खा गई हुकूमत। तो आपको क्या लगता है, आप बोल रही हैं अंडर द टेबल उन्होंने कुछ दिया होगा प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए, कोई उन्होंने तरक्की नहीं की? मोदी ने पैसा दिया? नहीं मुझे नहीं लगता कोई तरक्की नहीं, हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। किन फील्ड्स में? किस चीजों में? फैशन, मॉडलिंग, इसमें बहुत पैसा। ये तरक्की नहीं है, एजुकेशन तरक्की है, इतनी ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। तो वही कह रही हूँ ना, एजुकेशन में बजट ही कौन सा नहीं, नहीं इंग्लिश है ही नहीं, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश आती नहीं है, एक्सेंट ही नहीं है बच्चों का। जीरो, जीरो पे है। ज्यादा यूट्यूब का पता है, गानों का पूछ लो बस ये पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है? जीरो। तो फिर आगे कहाँ पर है? आपने बोला ना हम बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो यही फील्ड्स तो काउंट की जाती है। हमारे खजाने में कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा, सारी हुकूमत खा रही है। फॉरेन रिजर्व्स की बात करी, फॉरेन रिजर्व में बहुत पैसा है, उन्होंने तो बोला है सिर्फ 2-3 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। झूठ, झूठ, यानी हम तरक्की आपसे ही बता नहीं रहे, छुपा नहीं, बता नहीं रहे। अगर हम तरक्की आता है फिर हमें मईशत में भी तो टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक होना चाहिए था ना। पैसे होते हैं, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, बिल्कुल बोलता है। आप मुझे ना आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप कह रही हो क्या होता है समटाइम, क्या होता है रिश्वत जो है ना, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम लोग रिश्वत दे के पैसा जो है अपना नाम कमाते हो। अच्छा अमेरिका जो बाइडन जो है आपको पता होगा, जो बाइडन का अच्छा जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सैल्यूट किया तो अंडर द टेबल उनको भी कैश किया। आप बोलो, नहीं आप बोल, इंडिया का शुरू से ही बहुत हाई ना सच सामने जब मैंने काउंटर किया तरक्की बोलती है, बोलती है हाँ, नाम बहुत है इंडिया का। अच्छा, क्यों? हाँ, तो भाई जब भारत देश आप मुझे बताएं क्यों दुनिया ले रही है भाई। अमेरिका से है? नहीं मैं तो अमेरिका से हूँ, मैं तो छोटी मोटी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, अमेरिका से नहीं, मैं तो अमेरिका से हूँ, लेकिन अमेरिका के अंदर पैसा नहीं चलता, वहाँ पे अंडर द टेबल मेरिट चलता है। जितनी इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है ना, जो मैंने देखा है
पाकिस्तान की भी है रिस्पेक्ट, लेकिन इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट है। क्यों है उनकी? अभी लैंड पे आया। क्यों? कमला हैरिस कौन है? मेरी शहजादी। कमला हैरिस इंडियन है। खुद देख ले, उनका ओरिजिन इंडिया है। बिल्कुल हाँ जी। जो वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों को टाइम लगेगा आगे आने में, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग सो के उठते हो 3 बजे, ठीक है, सैटरडे संडे आप लोग छुट्टी करते हो, 12 बजे आपके काम बंद है, आप लोग तरक्की कैसे करोगे? ऐसा ही है ना, तरक्की आप करना चाहते हो लेकिन आप कैसे करोगे? मैं बाहर से आई हूँ, मेरा आईफोन चोरी हो गया, किधर है मेरा आईफोन? पाकिस्तान में चोरी हुआ जी। तरक्की याफ्ता मुल्क था आपकी नजर में तो, चोर तरक्की का। मैं पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं आके बहुत प्यार किया, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी, बहुत ज्यादा। आईफोन चोरी, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अच्छा, और आपको? मैंने सब सदका हो गया। अच्छा, आप कितने अर्से बाद पाकिस्तान आए हो? मैं 8 साल। 8 साल बाद। तो पहले के पाकिस्तान में, आपके पाकिस्तान में क्या फर्क है? आजादी, फॉर एग्जांपल कौन? घूमने फिरने की, घूमने फिरने की नहीं, तरक्की के लिहाज से कि 8 साल पहले का पाकिस्तान कैसा था और अब का कैसा? सेम ही था। अबे भाई साहब, इनके पास डॉलर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो ये सोच इसकी समझ नहीं आई, अमेरिका से घूम, अमेरिका की है, अमेरिका में रहती है, लेकिन वही सोच पाकिस्तानी मदरसा छाप, यानी भाई साहब वही बात है कि खून में बह रही है। वो बोलती है प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए मोदी ने दुबई को पैसा दिया, तब भाई साहब वो उसके पास आ रहे हैं, तो भाई अमेरिका को भी फिर वो भारत पैसा देता है, तो भारत फिर जब अमेरिका आता होगा भारत के पास, फिर ऐसे ही चीज है। एंड में खुद बोलती है, कहती है मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं है, कहते बस पाकिस्तानी लोगों से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये पाकिस्तानी 8 साल बाद बोल गई है ना, फिर भारत की ये शान इस दुनिया के अंदर के भाई साहब अगर हम पाकिस्तानियों के आगे नाम ले तो पाकिस्तानियों की जल जाती है भारत की तरक्की देखकर। ये तो बात है, हम फैशन में आगे, हम भारत से बहुत आगे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। अबे कहाँ है भाई साहब, तू अमेरिका से आई है भाई, यहाँ पर अगर गरीब बंदा भूखा मार रहा है, रोटी खाने को नहीं है, और भाई साहब हम अमीर है, आईफोन इसका चोरी हो गया। पाकिस्तानी तरक्की कर रहे हैं ना, चोरी में कर रहे हैं, करप्शन में कर रहे हैं, भीख मांगने में कर रहे हैं, हमारी तरक्की हो रही है ना, और हमारा हो ही गया रहा है। जो बाहर से आता है उसे कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान के हालात क्या है। और लेकिन फिर भी बाबा इसकी सोच में हैरान हूं कि वही मदरसा छाप छोड़, वो जो इसने बात की ना मोदी अली प्रोटोकॉल वाली, मैं तो उस पर हैरान, वही ना। और भाई मैं उसमें हैरान हो रहा हूँ कि भाई साहब अके हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत, हमारे खजाने भरे हुए हैं। और भाई एक और बात कि भाई हमारा भाई साहब, हम लोगों का, हम बहुत आगे हैं भाई भारत से, भारत नीचे हम ऊपर हैं, हम फैशन में पैसा कमा रहे हैं, हम हर चीज में पैसा, मॉडलिंग में पैसा कमा रहे हैं। एंड में बोलती है कि भाई भारत वाक्य में बहुत ज्यादा इज्जत है भारत की और हमारी कम है, फिर औकात पे आई है। बाहर के में पूछा ना, बाहर अमेरिका में किसकी इज्जत है, बोलती है इंडियन की इज्जत है, तो फिर आइए ना औकात में। ये हाल है, ये हाल है हमारे लोगों का, हम क्या हमारे लोगों के सामने अगर भारत का नाम लो तो इनकी जल जाती। ये भारत का नाम तक नहीं लेते, और भाई साहब हमेशा गलत बातें भारत के बारे में करते हैं, जब एंड पे इनको काउंटर करने वाला मिले फिर सच पे आते हैं। जितने भी इंडियन लोग हैं, जितनी भी है ना प्रोटोकॉल, इनको बहुत दिया जाता है। बाबा क्यों नहीं दिया जाएगा, मोदी जी की पावर है भाई, वो आगे जहाँ पर जाते हैं अगले उनका आगे रेड कार्पेट बिछाते हैं और आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तानियों को भिखारी की नजर देख के उधर ही रोक लेते हैं कि भाई तू भिखारी रोक कर, तुझे नंगा करके चेक करेंगे, तुझे आगे जाने देंगे। ये हाल है इनका। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इधर ही खत्म करते हैं तो बात।